धनबाद में जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में बाघमारा विधायक गुल्लू महतो की मेहनत रंग लाई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के अंतिम चरण में उनके समर्थकों ने बाजी मार ली है। विधायक ढुल्लू समर्थित शारदा देवी ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। 29 में से 24 नव निर्वाचित सदस्यों ने शारदा देवी के पक्ष में मतदान किया। देखिए, सबका प्यार और आशीर्वाद से हमको ये मौका मिला है सेवा करने का। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँ कि जो भी पंचायत के काम के लिए जो आगे बढ़ाया जाए, जो सुधार का काम हो, जो नहीं हो पाया या फिर जो विकास के लिए होना चाहिए, चाहे वो पानी की समस्या हो, महिलाओं का समस्या हो या फिर शिक्षा का समस्या हो या फिर और अन्य विषय सुविधा, उस सब का मैं सॉल्व करने का और आगे बढ़ाने का काम करूँगी। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र देते हुए पद की शपथ दिलाई। अब इसके बाद उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इधर जिला परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष हसीना खातून समेत 5 सदस्यों ने अध्यक्ष के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ समाहरणालय के कक्ष से बाहर निकल गए। देखिए, जहाँ तक हम लोग संविधान का अगर हम लोग बात करें तो संविधान में कहा गया है जो चुनाव प्रक्रिया है और जो चुनाव चुनने का अधिकार है, अपना मत देने का अधिकार है, वो स्वयं खुद निर्धारित करता है कि हम किसको दें और किसको नहीं दें। लेकिन कुछ दिन के पहले जो पत्र के जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आउट हुई हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान को तार तार करने का काम कर रही है और मैं इसलिए इस चेयरपर्सन अध्यक्ष पद का जो है बहिष्कार करती हूँ इस चुनाव का। विरोध करने वालों में गोविंदपुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 11 से दोबारा जीती मन्नू आलम की पत्नी हसीना खातून के अलावा क्षेत्र संख्या 15 से निर्वाचित वाणी देवी, 22 से चुनाव जीतने वाली कुमारी रूपा, 10 से लक्ष्मी मुर्मू और क्षेत्र संख्या 9 से जीते संजय सिंह शामिल हैं। इन सदस्यों ने चुनाव में धन बल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।